You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace, this is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. You doubt anything, everything, not a thing. Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything. I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in and out again and again. I don't gotta sit in. Guys, welcome to my channel. Aur ja raha hu मेरा गांव, और मैं अभी ट्रैवल कर चुका हूँ. मैंने वीडियो ब्लॉग नहीं बनाया इतना टाइम, मतलब 16 किलोमीटर मैंने चल के गाड़ी से आया, तो उसका वीडियो बनाया नहीं. तो उसके बाद मैं आया ब्रह्मपुत्र ब्रिज के पास, तो उसी के पास मैं बना रहा हूँ अभी. मैं ब्रह्मपुत्र ब्रिज 100 मीटर दूरी है, तो वहाँ तक मुझे जाना पड़ेगा. और मैं अभी जा रहा हूँ गाँव, और जहाँ से मुझे भाई टीका है, जो भाई टीका लगाना पड़ेगा. तो मैं इस जगह में हूँ अभी. अभी 100 मीटर में मिलेगा मुझे ब्रह्मपुत्र ब्रिज, तो वहाँ से हम चलेंगे सीधा गांव. और यहाँ गांव, मेरा गांव लगभग यहाँ से अगर देखा जाए तो 156 किलोमीटर दिखा रहा है, और अगर इधर उधर पकड़ लो तो समझ लीजिए आपको 154 पड़ेगा अभी लगभग. तो पता नहीं कितना टाइम में मैं जा पाऊँगा इस गाड़ी से. और ये गाड़ी देखता हूँ चल पाता है कि नहीं. पहले भी मैं जा चुका हूँ, लेकिन दो बार रुक के गया हूँ. तो एक बार देखता हूँ कि एक बार मैं जा सकता हूँ कि नहीं. और दिक्कत गर्म होता है, वही टेंशन है गाड़ी का, और बाकी कुछ टेंशन नहीं है. बस गर्म होके अगर जल जाए इंजन तो उसी का प्रॉब्लम है ज़्यादा. तो देखता हूँ, टेस्ट करता हूँ गाड़ी इस बार, एक बार मैं जा सकता हूँ कि नहीं. 6 बजे निकला था, अभी 6:30 बज गया है. अभी चलते हैं, फिर आगे आपको शूट करते हैं और ब्रह्मपुत्र ब्रिज भी दिखाते हैं. चलो लगभग 60 के स्पीड में जाना ही पड़ेगा. अगर 60 के स्पीड में नहीं गया तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है 3.5 घंटा. 3.5 घंटा के अगर पहले पहुँच गया तो काफ़ी ज़रा बढ़िया बात है. और मुझे कम से कम 10 बजे से पहले पहुँचना है, जहाँ हमारा वाइडिया का टाइमिंग होता है. तो मुझे इतना नहीं पता, मैंने घर में भी फ़ोन करके बोला नहीं कि मैं आ रहा हूँ. तो किसी को बोला नहीं, भैया को पता है, और बाकी किसी को पता नहीं है कि मैं घर जा रहा हूँ. तो पहले भी जा चुका हूँ मैं, इसे ये अब तक आया था. तो मैंने ब्लॉग बनाया था, लेकिन कुछ खास नहीं बना और अच्छा नहीं हुआ था, जिसके वजह से मुझे साफ को सिलेक्ट करना पड़ा. और दोबारा से फिर से जा रहा हूँ, और मेरे को गाड़ी भी वहाँ पे टेस्ट कराना है, मतलब मुझे ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट कराना है, इसलिए जा रहा हूँ. आप लोग, ये बार जो गया था तो वहाँ पे एक चीज़ हुआ था, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था. सुबह का टाइम था 7 बजे, और मैं 4 बजे निकल गया था कमरे से. तो 7 बजे जब पहुँच गया तो वहाँ पे फोन कर रहे थे, तो ट्रक आया, ट्रक वाला आके उसके सीधा पैसा दे दिया, निकल गया. फिर मैं साइड में खड़ा था, तो वो मेरे पास आके बोल रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो. मैंने बोला न्यू मोहाइगा जा रहा हूँ. तो उनको कुछ बात, मतलब कुछ बात नहीं मिला उनको बोलने के लिए. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस यही पूछा कि क्या काम करते हो. फिर मैंने बोला कि मैं जोमेटो राइडर हूँ. तो उन्होंने तुरंत जाने दिया भाई. बस हुआ ना, बात नहीं निकल रहा है, और जितना भी कोशिश कर रहा हूँ जोर से बोलने का, तो कुछ अलग ही निकल रहा है. सीधा हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इधर से. तो यही आराम से चला करो भाई, जब भी आकर गाय से दिखे, क्योंकि उनको पता नहीं है, वो चलते रहते हैं, बस एक्सीडेंट हमारा हो जाता है, बाद में हमको पंगा पड़ता है. तो अभी चलते हैं आगे. और यहाँ पे देखो, हाजत 7 किलोमीटर है. ब्रह्मपुत्र ब्रिज मैंने पार कर लिया, इसके बाद हम कहीं और जाके आपको शूट करेंगे, जहाँ पे देखता हूँ अभी कितना किलोमीटर चलता है, उसके बाद दिखाते हैं आपको गाड़ी का कंडीशन. चाय भी पीना पड़ेगा मुझे, है ना, है कि नहीं. कुछ खाना पड़ेगा, लगातार चलाऊँगा तो कुछ तकलीफ भी होगा यार. जाके पिछले बार मैंने जो चलाया था लगातार, मुझे आके काम मजबूरी था यार काम करने का, फिर भी काम किया मैंने. इतना दर्द शरीर हो रहा था. तो यही है कि आप देखते हैं, मैप भी खोल लेता हूँ. खेल किया 26 किलोमीटर, मतलब आधा घंटा में पकड़ लिए 20 किलोमीटर. अगर मैं चलता हूँ तो मुझे 150 किलोमीटर चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, मेरा बात तो नहीं निकल रहा है. जितना हो सके मैं ज़ोर से कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ठंडा इतना ज़्यादा है, नाक में घुस गया है मेरा ठंडा. कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बोल नहीं पा रहा हूँ यार, नाक खराब हो गया है. गाइस यहाँ पे थोड़ा गलत सीन हो गया, यहाँ पे बारिश हो रहा है, फिर रुकना पड़ेगा. रेनकोट भी है नहीं, रेनकोट भी नहीं लिया, पिछली बार लाया था, बारिश नहीं हुआ था, इस बार नहीं लाया, बारिश हो गया.
तो यहाँ पे रुकते हैं, बारिश तो खत्म होगा, फिर चलते हैं। थोड़ा बहुत बारिश रुक गया है अभी, और जो मैंने वाटरप्रूफ का केस लिया है उसके वजह से शायद साउंड और ज़्यादा कम आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर साउंड हल्का सा कम जाता है, इसलिए मैंने राइड शुरू करना ही है, क्योंकि रुक नहीं सकता मैं, जितना रुकेंगे उतना ही टाइम बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैंने मोबाइल का भी कवर लगा लिया हूँ। यहाँ पे स्पीड मैंने 80 के ऊपर कर लेना है, ये थोड़ा बहुत तेज जाना पड़ेगा, अगर जितना स्लो जाऊँ उतना ही मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, और पहले मैं रुक चुका हूँ इसके वजह से और टाइम बर्बाद हो चुका है मेरा, तो यहाँ पे 80 के ऊपर जा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे हल्का सा रुक के, गाड़ी तो गर्म हो गया है इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा रुक के मतलब मैं लोकेशन चेक किया, पिकअप करने के लिए रुका था, पिकअप कर लिया। अभी 8 बज गया है, 7:30 तक पूरा कोहरा है चारों तरफ, मतलब पूरा अंधा इतना ज़्यादा था, अभी भी धूप नहीं है, पूरा देख सकते हैं आप ऊपर बादल भी नहीं निकला हुआ है, अभी पता नहीं कितना बजे तक निकलेगा। अभी मैंने मोबाइल का कवर और जो वाटरप्रूफ केस कैमरा का दोनों निकाल दिया हूँ, अभी फिर से चल गया हूँ राइट पे, और 70-80 तक मैं चलाया हूँ। ये बाट गाँव इसे प्यार कितना करता हूँ, तुझे बार बार याद दिलाऊं। 77 किलोमीटर है भाई, और लगातार गाड़ी जाएगा कि नहीं बता नहीं, 70 मतलब 70 के आप ही चला रहा हूँ मैं, मेरा माइक नहीं है जिस वजह से फोकस ऑन जो है वो ज़्यादा आ रहा होगा। तो यह है पेट्रोल पम्प, और यहाँ पे हावली अबे पूरी 40 किलोमीटर है, और यहाँ बड़पेटा टाउन है 2 किलोमीटर। तो देख सकते हैं ये है ब्रिज, ये थोड़ा छोटा ही है, और भी ब्रिज है जो मिलेगा आगे हमको जाके, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा जोर से बोलना पड़ता है फिर भी आवाज़ कम आता है। यार माइक खर दू तो 1700 का पड़ता है इसका माइक, जो ज़्यादातर वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना बैटरी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे चार्ज देना पड़ता है, बैटरी खोल नहीं सकता, इसका बैटरी जो है फिक्स है, इसी के प्रॉब्लम के कारण मैं लगातार वीडियो नहीं बना सकता। अगर प्रॉब्लम है कि आपको यहाँ पे फिक्स चार्जिंग मिलता है, फिक्स बैटरी मिलता है, जिसके वजह से आपको चार्ज देना पड़ता है फिर चलाना पड़ता है। तो कुछ दिन वीडियो इसी से बना लेता हूँ, जब नेक्स्ट लूँगा थोड़ा अच्छा लूँगा, है कि नहीं, तो जब तक गोप्रो नहीं आ जाता यहीं से काम चलाना पड़ेगा भाई। तो यहाँ से घूम लेते हैं, अब भीड़ भाड़ में आप बात नहीं कर सकते क्योंकि भाई आपको गाड़ी चलाना पड़ता है। जब आप सुबह निकलते हैं ना आपको ऐसा लगेगा कि आप जल्दी पहुंच गए हैं, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है ना उसमें आप जल्दी जा सकते हैं, खाली रहता है रास्ता, जिस वजह से आपको लगता है कि हाँ मैं जल्दी पहुंच गया। वैसे हमको भी घूमना है, लेना है धीरे धीरे सब कुछ ले लूँगा एक एक करके, तब तक बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहे, बस मेरा यही ख्वाहिश है, आपको भी खुश रखे गॉड, यही मेरा दुआ है। क्या भोग रहा था मुझे लगा यार लंगड़ा नहीं है, जब पीछे मुड़ के देखा साला दौड़ रहा था, फिर लंगड़ा करके जा रहा था। जिंदगी देख सकते हो बड़ा ब्रेज है ना, इंजॉय हर टाइम नहीं कर सकते, हाँ कभी कभार कमा लिया भाई, कभी कभार इंजॉय कर लिया, मस्त कर लिया, घूम लिया भाई, बढ़िया बात है कि नहीं, तो हर टाइम जो घूमेंगे खाएंगे ऐसे करेंगे वो भी नहीं है भाई, ये जिंदगी है, बराबर चलना पड़ता है। यहाँ पे आपको कोई याद नहीं करने वाला, आपका जब नाम रोशन करना है, आपको नाम रखवाना है दुनिया में, तो भाई आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। मेन बात है आप अगर लास्ट शर्म करेंगे ना लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, ये पकड़ लो भाई, लास्ट शर्म से ज़िंदगी नहीं चलती। मेन बात तो भाई सब्सक्राइब, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करोगे, हाँ भाई सीधे निकाल दो गाड़ी।
क्या हेलमेट भी नहीं पहनते भाई। हेलमेट तो हेलमेट पहनना सही भाई, अभी अगर लग जाता मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ, अगले सिग्नल दिया सीधा निकल गया, अब क्या होता अगर लग जाता वहाँ पे, गलती मेरा ही हो जाता भाई। इतना पड़ेगा माइक 1700 का है, मैंने 300 का माइक लाया था इसमें लगाया था, लेकिन जो 300 का माइक था ना वो सपोर्ट यहाँ पे हो नहीं रहा था, मतलब इसमें डाल दिया बाहर का जो मतलब वॉइस था वो भी बंद हो गया पूरा का पूरा। तो दूसरी बार मैंने ट्राई ही नहीं किया, पूरा वीडियो पूरा बनाया लेकिन सारा एक भी साउंड नहीं है, वॉइस एक भी है नहीं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। उसके बाद मैंने माइक ही बंद कर दिया, माइक घर पे पड़ा हुआ है, देखता हूँ फिर भी ट्राई करके अगर हो जाता है ठीक है, नहीं तो मुझे 1700 वाला माइक ही लाना पड़ेगा। बिना माइक के यार फोटो ब्लॉग इतना सही नहीं लगता। अच्छा भी बालागांव से आगे देखते हैं, 55 किलोमीटर के बाद आपको दिखाते हैं, गाँव भी दिखाते हैं और उसके बाद रिकॉर्ड भी शुरू करते हैं। अभी थोड़ा बंद करना पड़ेगा क्योंकि बैटरी ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे लैंगटी संगा 4 किलोमीटर, अभयपुरे 9 किलोमीटर, बोंगाईगांव 30 किलोमीटर, तो यहाँ पे मुझे कितना दिखा रहा है 43 किलोमीटर, मतलब मेरा गांव तक 43 किलोमीटर। मानस ब्रिज है, नज़ारा अच्छा लगता है ना, देखो क्या मस्त नज़ारा है, लेकिन देखो अभी भी बादल अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग 9:10 हो गया, 9:10 हो गया, अभी तक बादल नहीं निकला हुआ है, पता नहीं आज बादल का क्या सीन रहेगा। मुझे मैं उठा था 4 बजे, उसके अलार्म देखा, अलार्म बजा के रखा था, अलार्म लगा के रखा था, 4 बजे अलार्म बज गया, उठा नहीं, बिस्तर पे था, मोबाइल देखा, हाँ 4 बज चुका है, मैं आराम करके उठता हूँ बोला। जब मैं आराम करके उठा तो भाई 6 बज चुका था, मतलब 5:50 हो चुका था, मैं जल्दी जल्दी निकला, 6 बजे मैंने घर से निकल गया फिर मैं बहुपुत्र ब्रिज तक, उसके बाद ही फिर ब्लॉग ये शुरू किया। तो अभी फिर जाने का बहुत टाइम लगेगा, 40 किलोमीटर है। गाइस अभी मैं हूँ अभयपुरी में और यहाँ पे लगभग 34 किलोमीटर जाना पड़ेगा और गाड़ी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे रुक के मैंने थोड़ा गाड़ी को चेक किया, मतलब चलने की हालत में है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। उस दिन मुझे जब जाते टाइम काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था, काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया था गाड़ी, जिसके वजह से मुझे 1 घंटा रेस्ट देना पड़ गया था गाड़ी को। तो आज इतना हीट नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों, मौसम के वजह से शायद उस दिन थोड़ा मौसम गर्म था, गर्मी मतलब धूप पूरा निकला हुआ था, इसके वजह से हो सकता है। तो आज मौसम ठंडा है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। अभी मैं उभयपुर में हूँ, यहाँ से घूमता रहता है, जिस वजह से आपको कभी भी मतलब आँखों में घूस सकता है, यही चक्कर है, गाँव है ना, यही चक्कर है। ये देखो भाई सुंदर सा नज़ारा है और वहाँ हम खड़े हैं अभी, यहाँ पे थोड़ा हल्का सा धूप निकला हुआ है, ज़्यादा धूप नहीं है, और मेरा गाड़ी जो देखो क्या हालत है, धोया भी नहीं काफ़ी दिन से, अभी भी फिर भी चलेगा, थोड़ा बहुत हीट है लेकिन ज़्यादा नहीं है, जो चल सकता है। और अभी 12 किलोमीटर अभी है चलाने पर, फिर भी ठंडी सा लग रहा है यार, पता नहीं क्या लग रहा है। और इस बार दिवाली भी ख़राब हो गया सबका, आप लोग को पता ही है दिवाली में बारिश हो गया था, तो अभी भी बादल नहीं आया, देखो उस कोने में दिखा रहा है, उस कोने में देखो अभी भी धुंधला सा है, देखो थोड़ा कोहरा अभी भी है, तो है नहीं, लेकिन उस कोने में जो पहाड़ है उस कोने में है। और यहाँ पे बादल हल्का सा अभी आ रहा है धीरे धीरे करके, बादल अभी तक आया नहीं। गाँव में जो रहने का मज़ा है ना वो कुछ अलग ही है, शहर में रहने का मज़ा कुछ अलग है। मेन बात है जो काम करने वाला बंदा है ना वो गाँव में पसंद नहीं करेंगे, आप बताओ क्यों, क्योंकि शहर में आप हर टाइम काम में रहते हैं दिल्ली, और यहाँ पे आप हर टाइम काम नहीं मिल सकता आपको, मेन चक्कर ये है। ठंडी ठंडी क्या लग रहा है, और बताने बात क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए मोटो ब्लॉग में आपको लोग यार कमेंट सेक्शन में बता देना यार, कोई भी हो यार बता देना किस तरीके की बात करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। डांगटोला सरियली और इधर से सीधा हम जहाँ से आए हैं उधर से अगर राइट लोगे ना तो आप न्यू बोंगाईगांव पहुँच सकते हो, और सीधा जाओगे तो बासुगांव जा सकते हो, और इधर से हम जाएंगे भद्रागांव। तो भद्रागांव जहाँ पे मेरा घर है, आपको घर नहीं दिखाऊंगा, घर तब दिखाऊंगा जब 10K होगा, तो ये बात याद रखना गाइस, जब तक 10K नहीं हो जाता मैं घर रिवील नहीं करने वाला, और मैं फैमिली को भी रिवील नहीं करने वाला हूँ भाई। वो देखो यार यही मेरा गांव है, आ गया पहुँच गया कुछ, आज के लिए इतना ही गाइस, और नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे कुछ अलग सा लेके आएंगे। इतना ही, गाँव में पहुँच गया अभी, घर चलते हैं।
की कीमत है।